हेलो जी, आज मैं जो लेके आई हूँ, मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टिप्स लेके आई हूँ स्कोर करने के लिए। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अब लग रहा है दिसंबर में आके भैया अकाउंटिंग करी तो पूरे साल बट स्कोर तो नहीं कर पा रहे, और ये मेरे साथ हर साल होता है। अब पूरी बुक करने का टाइम हो गया खत्म, स्ट्रेटेजी फॉलो करो। सीबीएसई एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है और उस स्ट्रेटेजी को मैं डीकोड करने जा रही हूं आपके लिए, और शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूं, आपको सक्सेस मिलेगी। अपने रजिस्टर साथ ले आइए, और जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैं अपने साथ वर्बली भी बताऊंगी, उसको नोट्स की तरह बनाइए और अपनी सामने जो आपका टेबल के सामने जो भी स्पेस है, जो भी वॉल है, उस पर पेस्ट कर दीजिए और टिक करते जाइएगा किए कि नहीं किए, जरूर श्योर शॉर्ट काम आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपने पूरे साल अकाउंटिंग की, बहुत कुछ किया। अब कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा एवरेज है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी होता है। अकाउंटिंग देखिए, हर एक का एक मेंटल लेवल है पिकअप का, वो पिकअप आप एकदम से ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हर टीचर बोलती है, मैं भी बोलती हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है यार, अब जो भी हुआ, जितने भी 9 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए, करते रहे करते रहे करते रहे, हमने तो किया था, हाँ किया सबने था, लेकिन कमी है, कमी है तभी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। अगर स्कोर नहीं आ रहा, आउटपुट मैटर्स, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आउटपुट मैटर्स। आपने बिजनेस रन कर लिया, बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरे साल 2 साल 3 साल लगाए, कहीं ना कहीं तो शट करोगे, फिर बिजनेस में प्रॉफिट ही तो कमाना है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसकी मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ आपके लिए, काम थोड़ा इजी कर देते हैं। देखिए, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर होता है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है, मैं बोलूंगी कि आनी ही आनी है। तो जो चीजें बिल्कुल कंफर्म्ड है एज पर पैटर्न, एज पर क्वेश्चन और एज पर वेटेज, तो वो सबसे पहले हम कर लेते हैं। मैं यहां पर 26 मार्क्स स्कोर करवा रही हूँ इस स्ट्रेटेजी से, 26 मार्क्स स्कोर करा रही हूँ, तो 52 मार्क्स की स्ट्रेटेजी अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये करके भी और ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो, इतना करने के बाद बहुत सारे और छोटी छोटी चीजें भी कवर अप हो जाती है, जो ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो। 80 मार्क्स पूरे स्कोर करने की बात ही नहीं कर रही मैं आपसे, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला पॉइंट मैं बोलूंगी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मेरा ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिलेंगे, जो मेरे ये कंटेंट है अवेलेबल है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में दो ही केस बनते हैं बैलेंस शीट के, ध्यान रखिए, दो न्यूमेरिकल मैं बोलूंगी करने की जरूरत है और आपका डन हो जाएगा। ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, बस उस वीडियो को कर लो, श्योरिटी दे रही हूं उससे बाहर बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, हार्डली 15-20 मिनट की वीडियो होगी और ये जो आपके 4 मार्क्स डन हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 कंफर्म्ड है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आता है। बेसिकली इसमें आपको शेयर फॉरफीचर की अमाउंट निकालनी चाहिए, कॉलिंग एरियर कैसे ट्रीटमेंट देना है वो आना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली 3 मेजर पॉइंट है। ये कैलकुलेशन नहीं आती और इसकी वजह से शेयर कैपिटल नहीं निकलते और इसी की वजह से एक्सट्रैक्ट गलत हो जाता है। शेयर फॉरफीचर अमाउंट, कॉलिंग एरियर अमाउंट और साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व अमाउंट, ये 3 आइटम्स को अगर ढंग से निकालना आ जाए, और दूसरी चीज हमें आ तो जाता है, हम उसी को करने में 20 मिनट लगा देते हैं, तो हमें हर चीज को शॉर्टेस्ट वे में कैसे करना है और जल्दी करना है, वो भी एक ट्रिक होती है लर्न करने की, उस पर वर्क कीजिए। 4 नंबर आपके यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कंफर्म है। मैं बोलूंगी अगर वीडियो देख रहे हो आज ही डिसाइड कर लो कि आज ही आप एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट पे डन कर लेंगे। चलो जी, आपने मेरी वीडियो देखी और उसमें से दोनों केस कर लिए, उसके बाद आपका काम क्या है, कोई भी एक सैंपल पेपर उठाइए, टीएस का उठाइए, डीके का उठाइए, व्हाटएवर सैंपल पेपर यू आर हैविंग। क्वेश्चन नंबर 21 सैंपल पेपर में से, 10 सैंपल पेपर में से क्वेश्चन नंबर 21 के 5-6 क्वेश्चन अभी निकाल दीजिए भैया, 4 नंबर पक्के कर लिए बोर्ड में, बिल्कुल पक्के कर लिए, कहीं नहीं गए। अब दूसरी चीज बोलोगे, एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन आता है फंडामेंटल में, 10-12 क्वेश्चन आराम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स का वहां पे आपका आना है, और ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी 99% है, 99% है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन ये भी आज ही हो जाएगा, ये भी आज हो जाएगा। तीसरी चीज रेशियो, बड़े सारे रेशियोज हैं, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। मैं कहती हूं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो बता रही हूं, 99% प्रोबेबिलिटी इसी में से आएगा, यही रेशियो कवर कर जाओ। एक आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंफर्म आना है, जो 3 मार्कर है रेशियोस का, जिसमें 2 रेशियो पूछे जाएंगे, और एक आपका एमसीक्यू आना है। तो बेसिकली 3 रेशियो आपके पेपर में सेट होने ही होने, और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, पहला रेशियो मैंने लिखा है पीआर प्रोप्राइटरी रेशियो, बोर्ड का बड़ा ही प्यारा ये रेशियो है। आईटीआर, ये भी बोर्ड बहुत ज्यादा देता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। मैं ये नहीं कह रही बाकी जो रेशियो मैंने छोड़ दिए वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये रेशियो छोड़ के जाने वाले नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी, जो बच्चे वीकर बच्चे हैं, एटलीस्ट इन रेशियो अगर चले जाए, पूरा चैप्टर छोड़ के ना जाए, रेशियो बच्चे पूरा चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं, पूरा चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, ये रेशियो एटलीस्ट कर लो, मेरे कहने से ये रेशियो कर लो। पक्का बता रही हूँ, इन्हीं 10 रेशो में से 3 नंबर यहाँ पे जो है और 1 नंबर 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगी 95% तो आपके आ ही जाएगी, इन्हीं रेशो में से काम हो जाएगा, लेकिन बाकी रेशो भी करने हैं। ठीक है, चले जी। अब 4th पॉइंट मैंने लिखा है कंपैरेटिव कॉमन साइज। देखिए जी, ये बड़ा ही इजी स्कोर करने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगी पूरी अकाउंटिंग का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। चॉइस भी दे रहा है सीबीएसई कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, बट मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता है दोनों कॉमन साइज के आ जाए, हो सकता है दोनों कंपैरेटिव आ जाए। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका रहता है और ये 4 मार्कर रहता है, और ये किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना, मल्टीप्लाई और परसेंटेज निकालनी तो आती है ना, मल्टीप्लाई करना, तो बस इस चैप्टर में कुछ नहीं, और ये किसी भी कीमत पे गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये कंफर्म किया एडजस्टमेंट एंट्री वाला, रेशो हमने क्लियर कर लिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज डन कर लिया। देखिए जी, मैं तो बोलती हूँ और बच्चे सुनते हैं और आप भी सुनते हो और मूवी की तरह सुनते हो, बेटा कर रहे हो तो अमल करना है, स्कोर करना है, तो क्योंकि आसान नहीं है अकाउंटिंग में स्कोर करना बेसिकली, और आपने अगर अभी तक प्री बोर्ड दे दिए तो आपको ये रियलाइजेशन हो चुका होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेन हेड सब हेड का आता है, जो आपकी थर्ड बुक है बैलेंस शीट वाली, उसमें से मेन हेड सब हेड पूछे जाते हैं। मैं ऊपर एक आई बटन में 100 केसेस शेयर कर रही हूँ, वो 3-4 बार पढ़ के जाने हैं बस, उससे बाहर नहीं आएगा, और इसमें आपके पास 6 सिचुएशंस आएंगी जिनमें आपको बैलेंस शीट के, एसेट्स और लायबिलिटीज के मेन हेड और सब हेड दोनों बताने, और एक बार ध्यान रखिएगा, मेन हेड भी बताएंगे, सब हेड भी बताएंगे, तब हाफ मार्क मिलेगा, एक बताने का कोई नंबर नहीं है, 1/4 वाला कुछ भी प्रोविजन नहीं है, 6 सिचुएशंस आनी है आपकी, 6 सिचुएशन में से आपको हर एक का, हर सिचुएशन का हाफ हाफ मार्क है, और दोनों मेन हेड सब हेड दोनों सही बताने चाहिए। अब होता क्या है, बच्चे ने मेन हेड सही बता दिया, सब हेड गलत हो गया, तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं बच्चों के, और मैंने इतने साल कॉपीज बोर्ड की भी चेक किया तो मुझे पता है यार कैसे नंबर कटते हैं। ठीक है, अब मैं कहती हूँ लास्ट में कैश फ्लो, ऊपर एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, 2 कैश फ्लो सॉल्व करें, एक स्टेटमेंट पी एंड एल से, एक बैलेंस शीट से, उसी क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लो, 3-4 बार कर लो, कैसे नहीं आएगा कैश फ्लो, आराम से आएगा कैश फ्लो का, एक 6 मार्कर आना है। देखो जी, मैं इतना बोलूंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी कभी ऑपरेटिंग का आंसर ऊपर क्वेश्चन में गिवन होता है, ऐसे सीबीएसई करता है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक सारा रीड करना है, किसी एक का आंसर कभी कभी गिवन होता है, ऊपर वाली लाइन में जहां पर बैलेंस शीट बता रखी होती है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दिस 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 दिस, वहां बता देता है सीबीएसई, और बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देता है, तो क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से, और 6 मार्कर कंफर्म्ड है आपका इसका कैश फ्लो का, क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट होता है, 5 मिनट बचते हैं उस टाइम पे, और इससे 2 एमसीक्यू आने की भी प्रोबेबिलिटी है, एक तो कंफर्म एमसीक्यू और 2 आने की, मैं कहती हूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 8 मार्क्स आपके यहाँ पे स्कोर होते हैं, तो 26 मार्क्स यहाँ आ गए। अब मैं कहती हूँ अगर आपको डेज ही लगाने हैं, 1 डे इसको दो, सेम डे पे ये भी हो जाएगा फर्स्ट डे पे, और सेम डे पे ये भी हो सकता है, मैं कहती हूँ ये रख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड डे 1, ये सेकेंड डे, और इसको मैं देती हूँ थर्ड डे, ये मैंने 3 दिन का काम बताया, 3 दिन में 26 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हो, 3 दिन की प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, 3 दिन की प्रिपरेशन, पूरे साल पढ़े हो लेकिन अब मैं 3 दिन की प्रिपरेशन में ये 26 मार्क्स के स्कोरिंग की बात बता रही हूँ। चलो जी, अब इधर आ जाओ, अब मैं थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें ले रही हूँ, मैंने लिया है डिबेंचर, बेटा मैं कहूंगी 1 से लेकर 36 न्यूमेरिकल होते हैं डीके गोयल में, 36-37 न्यूमेरिकल होंगे, ये चैप्टर फुल करना, ये एक तो इजी चैप्टर है, दूसरा छोटा चैप्टर है, और इसको मैं 2 डेज अवॉर्ड कर देती हूँ। ठीक है, 2 डेज मैंने दिए क्योंकि इससे 10 नंबर का पेपर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी, और छोटा भी है चैप्टर। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो क्योंकि कुछ बच्चों की कंपनी वीक हो जाती है, इशू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर चॉइस में डिबेंचर और शेयर्स का क्वेश्चन है, तो डिबेंचर अगर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो कोई बात नहीं, इशू ऑफ शेयर्स को स्किप किया जा सकता है अगर चॉइस में आ रहा है, क्योंकि डिबेंचर से एक तो 6 मार्कर आ रहा है, एक 3 मार्कर आ रहा है, और एक 1 मार्कर आ रहा है, तो 10 नंबर आपके आ ही जाते हैं, तो 10 नंबर अगर हमारे 36 क्वेश्चन पे थोड़ी सी मेहनत करने से आ जाते हैं, और 2 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं प्लेलिस्ट सुपर शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल उसको भी देख लोगे, तो उसमें मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई कवर्ड। ठीक है, अब मैं कहती हूँ जो मैं 8 पॉइंट कवर कर रही हूँ, दैट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन की, पूरा एडमिशन बहुत बड़ा है। ठीक है जी, बहुत बड़ा है,
लास्ट के 10 क्वेश्चंस उठाना, लास्ट के 10 क्वेश्चंस में लॉन्ग मिलेंगे जिनके अंदर आप रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है क्योंकि बोर्ड का जो सैंपल पेपर आ रहा है अब इस लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क्स का रह गया, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ज्यादा बनवाए जा रहे हैं पर बैलेंस शीट भी बनवाई जा सकती है। तो देखिए इससे एक 6 मार्कर की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद क्या आना ही आना है। उसके अलावा 3 मार्कर एक क्वेश्चन आना है और एक 1 मार्कर एमसीक्यू सेट होना है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट अगर करते हैं तो इसी 10 क्वेश्चन में, लास्ट 10 क्वेश्चन में बोलूंगी उनमें 6 मार्कर के कॉन्सेप्ट, 3 मार्कर के और 1 मार्कर के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो कर लो ना, लास्ट 10 में ही कह रही हूँ, लास्ट 10 कह रही हूँ, पूरा एडमिशन कह ही नहीं रही हूँ। हाँ एक चीज बोलूंगी कि हिडन गुडविल और कर लेना, हिडन गुडविल वाले 2 या 3 न्यूमेरिकल है उसको और कर लेना, मैं उसका भी वीडियो ऊपर आई बटन पे शेयर कर दूंगी। बस एक फॉर्मूला लर्न करना है, हिडन गुडविल वाले अलग से 3 मार्कर में भी आ जाते हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से प्रोबेबिलिटी 6 मार्कर की भी है और 4 मार्कर की भी है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी जर्नल एंट्रीज आने की होती है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी जर्नल एंट्री गलत होने की भी होती है क्योंकि बच्चों की जर्नल ज्यादा गलत होती है। तो पता है ना ये वीकेस्ट पॉइंट है तो उसी पे ही हमला करना है हमको, हमारा वीकेस्ट पॉइंट है ना। अभी बोर्ड कब है, बोर्ड आपका जाके मार्च के लास्ट वीक में है, जाके 26 ऑफ मार्च को पेपर है और उतना वापस से 4 ही दिन मिल रहे हैं आपको, 4 दिन में रिवाइज नहीं हो सकता, अभी करके छोड़ना पड़ेगा, हमें जनवरी तक सारा रिवीजन करना है। ठीक है जी, अब मैं कहती हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट वाले 10 क्वेश्चंस को भी मैं 2 दिन अवॉर्ड कर देती हूँ, ठीक है, और डिसोल्यूशन को मैं दूंगी सिर्फ 1 डे। तो मैंने यहाँ पर कितने दिन दिए, देखिए जी यहाँ पर मैंने 3 दिन का काम किया, 3, 2, 5, 6, 7, 8 एक डेज आपको बोले मेरे कहने पे ये 8 डेज लगा। विंटर ब्रेक आ रहा है, सबसे अच्छा टाइम है यूटिलाइज करने का, ये 8 डेज मैं गारंटी के साथ कर सकती हूँ। मैंने तो यहाँ पे 26 और 26 52 मार्क्स की स्ट्रेटेजी दी है ना, आप इससे ज्यादा स्कोर करोगे। लेकिन हाँ अगर कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग करना, अगर आपने एक्सट्रैक्ट किया है तो भाई साहब कैसा भी एक्सट्रैक्ट आ जाए मेरा गलत नहीं होगा, कॉमन साइज कैसा भी आ जाए भाई साहब मेरा गलत नहीं होगा। गलत कैसे हो सकता है जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गली है, चीजों को एक बार करने से नहीं आता, 3 से 4 बार करना पड़ता है। पूरे साल बहुत पढ़े हो, पढ़े हो ना, पढ़े हो तो अब बस पेपर पे आउटपुट लाके दिखा दो, पेरेंट्स बोले ना कि भैया हमने इतना पैसा आपके स्कूल में लगाया, इतना ट्यूशन में लगाया और आपने स्कोर नहीं किया। आपको स्कोर करना है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और प्लीज शेयर कीजिए टू द मैक्सिमम, सबका भला हो। आपकी शेयरिंग, आपके लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट करता है। तो प्लीज काम की चीज है, इतना कह सकती हूँ, ऊपर लिखा ये नहीं किया तो अब कर लो, अब करने की स्ट्रेटेजी बता रही हूं। तो फोकस, डेडिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन द अटमोस्ट थिंग, ये ना हो कि बाद में पछतावा हो, तो करिए जी। ऑल द बेस्ट।